बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपकी दुनिया पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख्वातीनो हज़रात, क्या आप कुदरती तरीके से अपना रंग गोरा करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम अपनी बहनों और भाइयों की खिदमत में कुछ ज़बरदस्त और आसान घरेलू टोटके लेकर हाजिर हुए हैं। इन टोटकों का कोई भी मनफी असर नहीं होगा और इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों में रंग चांद की तरह रोशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने इस चैनल आपकी दुनिया को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल पर नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आज तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। ख्वातीन हज़रात, हमारे माशरे में ख्वातीन हो या मर्द, हर एक को गोरे रंग की ख्वाहिश होती है और ऐसे अफराद बाजार में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम की करीमों का इस्तेमाल करते हैं जो झटपट रंग गोरा करने के दावे करते हुए देखी गई हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जल्दी अमराज की सूरत में सामने आता है। चंद घरेलू टोटके ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आपके रंग को गोरा कर सकते हैं और इस टोटकों से आपके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं होगा और हर जिल्द दूसरी जिल्द से मुख्तलिफ होती है, इसलिए किसी जिल्द पर ये टोटके जल्द असर करती हैं और कुछ जिल्दों पर थोड़े अरसे बाद इनका फ़ायदा नज़र आता है। नंबर एक, 2 चम्मच दलिया, सूखा धनिया 2 चम्मच, 2 चम्मच आम का गूदा और 1 अदद कैरी की गुठली को एक साथ अच्छी तरह पीस लें। इस क्रीम का पूरे जिस्म पर मसाज करें, रंग साफ हो जाएगा। अगर आपके पास से पसीने की बदबू आती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, दही लीमू का रस और दलिया मिलाकर मास्क बनाएं और 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद अपने चेहरे को धो लें। जौ का आटा, सूखा धनिया और सफ़ेद शक्कर दूध में मिक्स करके पूरे जिस्म का मसाज करें। ये कुदरती बॉडी स्क्रब है, इससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। नंबर 4, बर्तन में आलू का रस निकाल लें और अपने चेहरे पर इसे ब्लीच की तरह लगाएं। 15 मिनट से आधा घंटा तक लगा रहने दें, फिर मुंह को अच्छे तरीके से धो लें। ये अमल रोज़ाना करें, रंग साफ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नंबर 5, दही 1 चम्मच और शहद 2 चम्मच लेकर इसका मास्क बनाएं और 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। इससे भी इंशाल्लाह आपके चेहरे को बहुत ही फ़ायदा होगा। ख्वातीन हज़रात, मैंने आपको आज की इस वीडियो में 5 टोटके बताए हैं, आप इनमें से जो भी चाहें कर सकती हैं। अगर आपको पहले टोटके से 1-2 हफ्ता लगाने से फ़ायदा नहीं होता तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की जिल्द मुख्तलिफ होती है। ख्वातीन हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दें और अपने इस चैनल की दुनिया को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल पर नए आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। इस तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।